कैसे हैं आप लोग। मैं मोबी मैनिमल एक और एक वीडियो के साथ आया हूँ। आज की वीडियो ज़रा एक अप्रिसिएशन के लिए है कि मेरा गुजर हुआ था यूनिवर्सिटी रोड से, तो वहाँ पे मैंने अनबिलीवेबल एक चीज़ देखी कि वहाँ पे उन्होंने जो बीच की ग्रीन बेल्ट है उसमें से नीलगम के जो ट्रीज़ हैं वो निकाल के शिफ्टिंग स्टार्ट करी है। अब मुझे नहीं पता ये बेच रहे हैं या लेके जा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। कराची में तो पहली दफ़ा देखा है कि ये ट्रीज शिफ्ट हो रहे हैं, अगर हुए होंगे तो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम देखा इतना ह्यूज पैमाने में ये शिफ्ट कर, ट्रीज को निकाल लें, काट नहीं रहे। लेकिन उधर जो कोनोकार्पस लगा हुआ है और जो नीम है उसको उन्होंने काट दिया, और बाकी जो नीलगम का है जो लिग्नियम के नाम से भी है और नीलम के नाम से भी मशहूर है पूरे कराची में, जो मेन लगा होता है ये वाला, ये जो है उन्होंने उसको निकाल लें नीचे से, और बहुत अच्छे तरीके से निकालने हैं। आप जरा ये चेक करें, उन्होंने नीचे से बकायदा उसका गमला किया, जाली लगाई, चूना लगा के उसको कवर किया, उसके बाद उसको निकाला, बहुत अच्छी ये ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से उसको किया। जिसका भी आइडिया यार सराहना पड़ेगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर ये काम हो सकता है। और मेरा ये होगा कि भाई नीम के दरख्त को भी निकाल सकते हैं, नीम का दरख्त भी इजीली निकल आएगा, कोनोकार्पस के लिए थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अब उसको बेच रहे हैं या जहां भी लेके जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कम से कम काटा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने दो एक पोस्ट देखी थी कि लोग बोल रहे थे काट रहे हैं, काट दिया दरख्त, काट दिया। एक दो दरख्त जो है वो नीम के दरख्त भी उन्होंने छोटे जो थे उनको निकालने की कोशिश की गई है, दो तीन दरख्त मर गए, खैर है डिले हो गए किसी वजह से, कोई इशू नहीं है। कम से कम ये स्टेप बहुत अच्छा है। जिसका भी आइडिया है, जिसका भी इनिशिएटिव लिया है, जिसने भी इस बात को, उसको भाई खड़े होकर सल्यूट करने का दिल करता है। बहुत प्यारा स्टेप उठाया उन्होंने, और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम यहाँ पे अब ये काम स्टार्ट हो गया कि इन्होंने ट्रीज को ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह उसको लगा रहे हैं, अब उसको सेल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। वीडियो में देखो समझ में आएगा। उन्होंने जिस तरीके से इसको नीचे से कवर किया ना प्रोफेशनल वे से, और हालांकि वहाँ पे जब मैंने खड़ा हुआ देख रहा था तो कोई एज सच खास कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट वहाँ मौजूद नहीं था, हॉर्टी का बंदा नहीं था, जो गाइड करता नॉर्मल लेबर थी उनको बता दिया था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी ट्री को उन्होंने निकाला है, उसको बाकायदा नीचे से कॉर्डन ऑफ करा सारी तरफ से, और फिर उसको जाली लगा के उसको चूना लगाया, गमला बनाया उसका, जिसको हम कहते हैं घाची बनाना, बहुत प्यारे तरीके से बनाई, और वो शिफ्ट कर रहे हैं। होपफुली हम इसी तरह से, जिसका भी आइडिया है, और होपफुली फ्यूचर में भी आगे भी सारे दर्द इसी तरह ट्रांसपोर्ट कर दिए जाए, ट्रांसपोर्टेशन उनकी की जाए, उनको निकाल के दूसरे का शिफ्ट किया जाए। और एडवाइस होगी कि जहां आपने नीलगम के लिए कर लिया है तो नीम दरख्त के लिए भी कर लें, नीम ट्रीज के लिए भी कर लें। और अगर किसी को एडवाइस चाहिए हो तो बहुत सारे हमारे प्रोफेसर हैं, बहुत सारे हमारे हॉबीस्ट हैं जो प्लांट क्या नाम है शिफ्ट करते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं ताकि मजीद ड्राई ना हो। एक दो मर जाते हैं, चार छः मर जाते हैं, कोई मुजायका नहीं उसके अंदर, मर जाएं दरख्त, लेकिन हमने इतने सारे सेफ तो किए हैं। और कोई सवाल रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिएगा, अगर ये पैगाम उस तक पहुँच जाए शेयर करो। इस जो डिस्ट्रिक्ट के और डीसी लोग हैं अपने अपने एरिए के, उनको भी चाहिए वो भी यही करें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जजाकल्ला, थैंक यू।